हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सतनाम टेक में। हमारी फैमिली के साथ जुड़ने के लिए इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि मिल पाए आपको नोटिफिकेशन ड्रीम इलेवन टीम और प्लेइंग इलेवन की सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPL का जो 7th मैच होना है दोस्तों, सनराइज़र्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच में, इसकी बात करेंगे। और ये मैच होना है दोस्तों हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में। और इस स्टेडियम की पिच रिपोर्ट देखी जाए तो दोस्तों यहाँ की जो पिच है दोस्तों वो फ्लैट विकेट मानी जाती है, पर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है, यानी कि जैसे फर्स्ट इनिंग होती है तो विकेट फ्लैट होती है, पर जैसे ही सेकेंड इनिंग तक आती है पिच थोड़ी स्लो हो जाती है, जिससे कि सेकेंड इनिंग में जो बॉलर्स बॉल करेंगे यानी स्पिनर्स, उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलना स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट इनिंग में हेल्प नहीं मिल पाती है तो फ्लैट विकेट होती है दोस्तों। तो ये थी आगे पिच रिपोर्ट दोस्तों। अभी चलते हैं आपको प्लेइंग इलेवन दिखा देते हैं। पहले सनराइज़र्स हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन देखिए तो ऑलमोस्ट अनचेंज कह सकते हैं। फर्स्ट मैच में जो थी सेम टू सेम रहेगी, ऋषिकर धवन और रिद्धिमान शाह के साथ ओपनिंग करेंगे। फर्स्ट मैच में रिद्धिमान शाह को चांस दिया गया था ओपनिंग करने का, फेल हो गई थी रिद्धिमान शाह के साथ ओपनिंग का प्लान, पर रिद्धिमान शाह काफ़ी अच्छे बैटिंग कर लेते हैं ओपनिंग में। इनके IPL के पहले एक दो मैच देखे जाए तो काफ़ी फास्ट है, सेंचुरी भी लगाई थी उन्होंने, 30 से 40 बॉल में सेंचुरी लगाई थी, तो इसलिए रिद्धिमान शाह को एक और चांस दिया जाएगा ओपनिंग के लिए। उसके बाद आएंगे केन विलियमसन जो खुद कैप्टन है इस टीम के, उसके बाद आएंगे मनीष पांडे दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मनीष पांडे, केन विलियमसन और शिखर धवन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा इस टीम के। उसके बाद दीपक हुड्डा, यूसुफ पठान, शाकिब अल हसन, भुवनेश्वर कुमार, राशिद खान, सिद्धार्थ कौल और बेली स्टेनलेक, ये होंगी प्लेइंग इलेवन यहाँ के। ये प्लेइंग इलेवन दोस्तों ऑलमोस्ट रहने वाले सेम। आज बात कर लेते हैं हम मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन की। तो मुंबई इंडियंस का जो प्लेइंग इलेवन दोस्तों, इसमें पहले आपको एक न्यूज़ बता दें, पैट कमिंस जैसे आप जानते हो IPL से पहले ही बाहर हो चुके हैं। हार्दिक पांड्या को रन लेते समय CSK चेन्नई सुपर किंग्स के मैच में थोड़ा सा एंकल ट्विस्ट हो गया था, इसकी वजह से उन्होंने आज कल जो ट्रेनिंग सेशन हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो अगर आज शिखर धवन नहीं, हार्दिक पांड्या नहीं खेलते हैं तो उनकी सौरभ तिवारी को चांस मिल सकता है। हम बात कर लेते हैं, ये थी न्यूज़ दोस्तों मुंबई इंडियंस रिलेटेड। अब बात करते हैं प्लेइंग इलेवन की। तो मुंबई इंडियंस के लिए ओपन करेंगे एविन लेविस और रोहित शर्मा, उसके बाद ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव, ये थर्ड और फोर्थ पर आ सकते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या अगर खेलते हैं तो हार्दिक पांड्या को मिल जाएगी प्लेस, और हार्दिक पांड्या टीम से भारत में सौरभ तिवारी थी यहाँ पे खेलने वाले हैं। उसके बाद सिक्स नंबर पे आते हैं यहाँ पे कृणाल पांड्या, सेवन पे करण पलौड, और अगर यहाँ पे हार्दिक पांड्या नहीं खेलते हैं तो सौरभ तिवारी को मिलेगा चांस। सौरभ तिवारी खेलते हैं तो मेरे ख्याल से मित्तल मैगलिन रिस्की हो जाएंगे, फिर शायद चांस दिया जा सकता है बेन कटिंग को। उसके बाद आते हैं जसप्रीत बुमराह, मयंक मारकंडा, मुस्तफिजुर रहमान। अब बात कर लेते हैं की प्लेयर्स में देखे तो विकेट कीपर में ईशान किशन और रिद्धिमान शाह दोनों ही बेस्ट ऑप्शन हो गए आपके लिए। सनराइज़र हैदराबाद के की प्लेयर देखे तो शिखर धवन, केन विलियमसन, मनीष पांडे, ऑलराउंडर में शाकिब अल हसन, और बॉलर्स मेरे राशिद खान और भुवनेश्वर कुमार। और मुंबई इंडियंस की बात करी जाए तो यहाँ पर रोहित शर्मा, एवन लेविस ये बैट्समैन से, और ईशान किशन विकेट कीपर काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो गया आपके लिए। और यहाँ पे मयंक मारकंडा, जसप्रीत बुमराह और कृणाल पांड्या, हमने यहाँ पे हार्दिक पांड्या को नहीं लिया है क्योंकि हम आपको सेफ प्लेयर बता रहे हैं दोस्तों, तो हार्दिक पांड्या थोड़े रिस्की हैं। अगर कोई न्यूज़ आती है हार्दिक पांड्या से रिलेटेड तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं दोस्तों तो आप ऐड हो सकते हैं, जो कि है बिल्कुल फ्री, क्योंकि अगर छोटी मोटी कोई अपडेट आती है दोस्तों तो हम उसका वीडियो तो नहीं बना सकते, आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट मिल जाएगी। और स्मॉल लीग की टीम्स हम फ्री में देते हैं। तो आपको ड्रीम इलेवन हमारा टीम दिखा देते हैं दोस्तों। आज के हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के अपने प्रोग्रेस दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो स्मॉल लीग में पार्टिसिपेट किया है और दोनों ही स्मॉल लीग में मेरा रैंक फर्स्ट चल रहा है अभी तक। तो इसी तरह अगर आप स्मॉल लीग में कुछ विन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और जहाँ तक हम देखें हमारी ड्रीम इलेवन टीम सनराइज़र हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच में, तो यहाँ पे विकेट कीपर में आपके दो ऑप्शन बचते हैं, रिद्धिमान शाह और ईशान किशन, दोनों ही अच्छा ऑप्शन है। पहले मैच में रिद्धिमान शाह अच्छा नहीं कर पाए, ईशान किशन कुछ रन बनाए थे,
दोनों ही मेरे को ऑलमोस्ट सेम है, आप किससे भी पिक कर सकते हैं, कोई किसी में 19-20 नहीं है। और बैट्समैन में आप रोहित शर्मा, शिखर धवन, कैरन पोलार्ड, केन विलियमसन, एवन लेविस, मनीष पांडे, और यहाँ से सूर्य कुमार यादव, यूसुफ पठान, दीपक हुड्डा और सौरभ तिवारी। अगर आपको न्यूज़ मिल जाती है कहीं से भी या मेरे तरफ से या और कोई चैनल से कि हार्दिक पांड्या मैच के आधे घंटे पहले तक दोस्तों ये कंफर्म नहीं होगा कि सौरभ तिवारी खेलेंगे, दीपक हुड्डा ज़रूर खेलेंगे, अगर मैच के एकदम एंड टाइम तक आपको कंफर्म न्यूज़ मिलती है कि हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे तो आप सौरभ तिवारी के साथ जा सकते हो ग्रैंड लीग टीम में। दोस्तों मैंने यहाँ पे इस टीम में ले रखा है शिखर धवन, केन विलियमसन, मनीष पांडे और सूर्य कुमार यादव को। और ऑलराउंडर सेक्शन में हम देखिए, मैंने यहाँ पे दीपक हुड्डा को पिक किया है दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे पिक किया था दोस्तों हार्दिक पांड्या को, पर हार्दिक पांड्या अब तक कोई न्यूज़ नहीं है, इसलिए हार्दिक पांड्या को हम ड्रॉप करेंगे स्मॉल लीग में और यहाँ से आप दीपक हुड्डा के साथ जा सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों मैंने यहाँ पे कृणाल पांडे और शाकिब अल हसन को ले रखा है। आप यहाँ पे चाहे तो और कोई, तो मैं सेफ़ प्लेयर नहीं कहूँगा, हार्दिक पांड्या की भी न्यूज़ कन्फर्म नहीं है तो ये भी सेफ़ नहीं हो गए, आप इन दोनों के साथ ही जा सकते हो। बैन कटिंग के चांसेस बहुत कम है खेलने के दोस्तों, और 20-30% चांस है भाई, ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो एक टीम में ज़रूर ट्राई कर सकते हो। यहाँ से मैं जसप्रीत बुमराह, राशिद खान और मुस्तफिज़ुर्रहमान के साथ गया हूँ। आप यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार के साथ जा सकते हो, मिथिल मैगनेन के साथ भी जा सकते हो, थोड़े रिस्की ज़रूर होंगे, आप यहाँ सिद्धार्थ कौल के साथ जा सकते हो। और यहाँ पे मयंक मारकंडा जो कन्फर्म खेलेंगे, उनका परफॉर्मेंस उनके बैट्समैन से एक तरह से कह सकते हैं, 3 विकेट लिए थे पहले ही मैच में, अपना डेब्यू मैच में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। बस दोस्तों यही जो बॉलर्स में से आप जा सकते हो, मयंक मारकंडा, सिद्धार्थ कौल और भुवनेश्वर कुमार, राशिद खान, मुस्तफिज़ुर्रहमान, इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब बात आती है कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन वाइस कैप्टन आप अगर स्मॉल लीग खेल रहे हो मैं आपको स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन बता देता हूँ। स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन आप सेलेक्ट कर सकते हो शिखर धवन और मनीष पांडे को जिसे मैंने पिक किया है, या फिर आप पिक कर सकते हो केन विलियमसन, दीपक हुड्डा, हार्दिक पांड्या और शाकिब अल हसन, और शिखर धवन और मनीष पांडे, 3, 4, 5, 6, ये 6 प्लेयर में से आप कैप्टन वाइस कैप्टन किसे भी पिक कर सकते हो और आप स्मॉल लीग आराम से विन कर जाओगे। और अगर आप ग्रैंड लीग टीम की बात कर रहे हो तो ईशान किशन को आप कैप्टन बना सकते हो, केन विलियमसन को, शिखर धवन को, इनकी रिद्धिमान साहा को भी आप कैप्टन बना सकते हो ग्रैंड लीग टीम में, राशिद खान को भी एक में बना सकते हो, मुस्तफिज़ुर्रहमान। ग्रैंड लीग में आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि आज कौन चलेगा, जैसे आज आप इंडियन इंडियन वुमेंस वर्सेज इंग्लैंड वुमेंस का मैच देख रहे हो तो उसमें आप देख सकते हो एमी जोन्स जो पिछले 5-6 मैचों से 10 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाई थी, आज उन्होंने अच्छी बैटिंग कर रही हैं, 30-40 रन यानी ऑलमोस्ट इंग्लैंड की तरफ से सबसे हाई स्कोर किया है, तो उन्हें कैप्टन बनाने कोई सोच भी नहीं सकता है ग्रैंड लीग टीम में, पर जिसने बनाया होगा आज वो ग्रैंड लीग टीम ज़रूर विन करेगा। ये ग्रैंड लीग टीम होती है, मतलब लक होता है, आप किसी भी बनाइए, कोई नॉलेज नहीं लगता है, मैं तो कहता हूँ ग्रैंड लीग टीम में आप सिर्फ बना दीजिए और आप जीत जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों।